हेलो बच्चों बच्चों, आज हम कुछ विलोम शब्दों के बारे में जानेंगे। ये आपकी पाठ 6 में ये शब्द आए हैं। तो विलोम शब्द होते क्या हैं? विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, इन्हें हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। देखिए, धनी, धनी मतलब जिसके पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारा पैसा हो, और उसका विलोम शब्द होगा निर्धन। निर मतलब ये आपका उपसर्ग लगा है धन में, निर मतलब नहीं, धन नहीं, जिसके पास धन नहीं है उसको निर्धन कहते हैं। तो धनी का विलोम शब्द होगा निर्धन। उदास, उदास मतलब जो दुखी रहता हो, जो खुश ना रहता हो, उसे हम कहते हैं उदास। तो उदास का विलोम शब्द होगा खुश। आज्ञा, आज्ञा मीन्स आदेश। आपने आज्ञाकारी घटोत्कच के बारे में तो पढ़ा ही होगा। जो आज्ञा नहीं मानता तो उसका विलोम क्या होगा? अवज्ञा। अवज्ञा आज्ञा का विलोम शब्द है। आइए दूसरा शब्द देखते हैं, चिंता। चिंता मतलब परेशानी, और जिसको कोई भी परेशानी ना हो, निश्चिंत, जिसको कोई परेशानी नहीं होती, तो चिंता का विलोम क्या हुआ? निश्चिंत। परिश्रमी, मेहनती, तो जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता, आलसी। आपने चित्र को पहचान लिया होगा, ये एक बुजुर्ग का चित्र है जिन्हें हम बूढ़े भी कहते हैं। तो बूढ़े का विलोम क्या होगा? युवा। युवा आपका बूढ़े का विलोम शब्द है। तो बच्चों, ये आपके कुछ विलोम शब्द थे। बच्चों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबल बनना पड़ेगा। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को अगर निर्बल सोचोगे तो निर्बल बन जाओगे, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। तो सबल बनो और आगे बढ़ो, सुरक्षित रहो। जय हिंद बच्चों।